हे एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दाल मखनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, मक्खन से लबालब, क्रीम से भरपूर और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद देने वाला है। बिना लहसुन और प्याज के मैं इसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये जो काली दाल होती है ना, उड़द दाल, होल उड़द दाल, एक कप होल उड़द दाल में 1.25 कप मैंने लिया था राजमा। ओवरनाइट सोक करने के बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे कुकर में। और यहाँ पे करीब करीब हम लोग पानी डालेंगे, 4 से 5 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। साथ में बॉईल करने के लिए नमक और हल्दी डाल देंगे और इसको हम लोग प्रेशर कुकर करेंगे। करीब करीब 6 से 7 सीटी में यह अच्छा पक जाएगा, या फिर आपके प्रेशर कुकर के ऊपर और आपके ग्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने देर में पकेगा। इसे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना कि अब इसको हम लोग दाल घटनी से अच्छे से घाट लेंगे। अगर आपके पास दाल घटनी ना हो तो पोटैटो स्मैशर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। बेसिकली हमें इसको अच्छी तरह से सारे जो दाल हैं उसको ब्रेक करना होता है टू मेक इट स्मूथ। अब चलिए, अब हम लोग बनाते हैं दाल मखनी। उसकी तड़का के लिए डालेंगे बटर, और एक बड़ा चम्मच बटर था और करीब 1 चम्मच मैंने घी लिया था। इसमें जीरा का तड़का, साथ में हींग भरपूर। उसके बाद हम लोग इसमें करीब करीब 3 इंच के करीब अदरक था जिसको ग्रेट करके, और फिर इसका कच्चापन दूर होने तक हमें इसे भुनना है। और फिर इसमें डालेंगे करीब 3 टमाटर मैं ली हूँ। 3 टमाटर को मैंने इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया ताकि मेरा जो दाल मखनी में टमाटर के स्किन वगैरह नहीं आए। सूखे मसाले में नमक हल्दी डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला है तो क्योंकि ये थोड़ा सा इस दाल मखनी जो है मैं स्पाइसी बना रही हूँ। और साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और इसके बाद इसे अच्छी तरह से हम लोगों को भुनना है। इसी समय हम लोग इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर आने के लिए, अच्छा कलर आता है इससे। और फिर इसको हम लोग भुनेंगे तेल रिलीज होने तक। इसको अच्छी तरह से हम लोगों को भुनना है और ध्यान रखें कि ये हमारा जो तली में चिपके नहीं। अब इस समय जब अच्छे से तेल सेपरेट होने लगे ना, तब इसमें हम डाल देंगे ये सारा दाल और इसको अब हम लोग अच्छे से पकाएंगे। ग्रेवी को के थिकनेस को आप थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो 1 से 1.5 कप पानी डालिए। नमक इस समय आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे अगेन 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ घी, बटर। अब बटर या घी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे करीब करीब 6 से 7 मिनट तक यूं ही पका लेंगे। और करीब 3-4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है क्रीम, फ्रेश क्रीम, और इसे हम अच्छी तरह से अब चला लेंगे। और बस देखिए, ये बन गया हमारा मज़ेदार दाल मखनी। तो सर्व करने से पहले आप इसमें डालें गर्मा गर्म थोड़ा सा बटर और साथ में इसे आप क्रीम से गार्निश कीजिए। बस देर किस बात की, बनाइए, खाइए एंड एन्जॉय।